पुरानी बिल्डिंग खंडर हो गई, नई भी रंग के लिए तरस गई। कुछ और नहीं तो खिड़कियां, दरवाजे, डॉक्टर और नर्स के रास्तों को दीदार करने के लिए तरस गई। न मिला कोई तो भैंस और उसके चाराहों को ही रख करके इन अस्पतालों ने अपना मन भर लिया। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर एनएम का इंतज़ार किया जाता है, दवाई का इंतज़ार किया जाता है और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक रखा जाए इसका भी इंतज़ार किया जाता है। ये तस्वीरें हैं केवटी प्रखंड के, दरभंगा विधानसभा के अंतर्गत आती हैं और ये गांव है बाजितपुर पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें कि एक पुरानी बिल्डिंग है जो खंडर बन गई, वहाँ वैसे पानी चूता से वो कोई सामान नहीं है। ये नई बिल्डिंग है जहाँ पे गोबर है, चारा है और भैंस बंधी हुई है, क्योंकि अब उन्हीं का इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर एनएम भी नहीं है। आपको बता दें चले, पिछले साल जो लॉकडाउन आई, यानी कोरोना काल का पहला लॉकडाउन हुआ, यहाँ के ग्रामीणों ने रास्ता काम किया, इलाज के लिए मांगों को रखा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आपको बताते चले, 10 साल पहले एक नई भवन तैयार किया गया जो आपके आंखों के सामने है, तस्वीरें बयां कर रही है। खिड़कियां इंतज़ार करते रह गए कि डॉक्टर आएंगे, एनएम आएंगे, यहाँ पे लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इलाज कराया जाएगा, लेकिन वो चरमराए के ख़त्म हो गई, ध्वस्त हो गई। आपको बताते चले कि इस दूसरी लहर ने बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्रों की जो व्यवस्थाएँ हैं उसे उजागर किया। वर्तमान में बिहार में जितने भी बड़े मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, उसकी क्या स्थिति है वो दिन पर दिन तस्वीरों ने बयां किया, चाहे वो DMCH हो, NMCH हो, SSKM हो, तमाम तस्वीरें। इसी पे हम यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें क्या बताया, आइए सुनते हैं और इनकी इंतज़ार कब ख़त्म होगी वो भी समझते हैं। मेरा नाम ललित कुमार यादव है, मैं कोठिया पंचायत बाजितपुर वार्ड 1 से वार्ड का रहने वाला हूँ और यहाँ एक सरकारी अस्पताल बना हो, 2010 से स्टार्ट हुआ, नया पहले से भी है लेकिन वो खंडर टूटा पड़ा है। दूसरा सेकंड जो बना उसके बाद डॉक्टर ने बहाल हुआ ना, सुचारू रूप से कभी दवा दारू का ग्रामीण को इसका मतलब उपलब्ध करवाया, और ऐसा ही पड़ा हुआ है खंडर। इसको सुचारू रूप से चलवाने के लिए हाँ, इसका जो है आगे आप लोग यहाँ लोकल का लोकल प्रतिनिधि को बोले कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ हाँ, लोकल प्रतिनिधि को बोले, इसका मतलब जो है कोई इस पर कोई ध्यान नहीं, मुखिया का ध्यान नहीं, सरपंच का ध्यान नहीं, किसी का नहीं दिया, कोई प्रतिनिधि का ध्यान नहीं। मेरे गांव में भी है वो, मैंने नाम क्या नाम बताया, मेरा नाम ललित कुमार यादव है। नाम बोलिए। शिव कुमार यादव। हाँ बोलिए। और मैं ये चाहता हूँ जो कोठिया पंचायत का 1 नंबर वार्ड में जितना स्वास्थ्य केंद्र है हॉस्पिटल, इसमें कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। वैसा आता है इमरजेंसी तो भागने पड़ता है, जैसे मोहम्मदपुर का जैसे दिल्ली दरभंगा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ये हमको होना चाहिए, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं हॉस्पिटल का। DM साहब से हम लोग की बात कर रहे हैं। DM साहब से आप लोग क्या मांग करते हैं? अनुरोध कर रहे हैं कि जितना जल्द हो जितना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ का प्रतिनिधि, इस पे प्रतिनिधि को आप लोग कंप्लेन किए कि ऐसा स्वास्थ्य केंद्र तो कंप्लेन किए थे, लेकिन बोला है जो होगा होगा, कब होगा वो हमको जल्दी चाहिए। बहुतों कंप्लेन वीडियो पास में भी दिए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार यादव। चलिए।